हेलो एवरीवन, एज अ बिगनर आज हमारा ये 25th डे है और आज जो जो टारगेट्स मैंने कंप्लीट किए उनमें सबसे पहले तो एडिटोरियल की क्लास लगाई निमिषा मैम से, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री जो आती है। आफ्टर दैट परफेक्शन 4.1 निमिषा मैम से, क्लोज टेस्ट की मैम ने वीडियो, सेवन्थ वीडियो आई थी मैम की उसे मैंने लगाया। एंड आफ्टर दैट रीजनिंग में जैसे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक हमारा मतलब कंप्लीट हो चुका है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है सीटिंग एंड अरेंजमेंट शायद तक, और उससे पहले मैं कभी इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन की मैंने प्रैक्टिस की। एंड देन मैथ्स, मैथ्स में सर्ज और इंडिसेस के सम अभी तक पेंडिंग है मेरे, जो सर के 96 सम्स थे तो उनमें जो जो टफ थे उन्हें मैं मतलब कर रही हूँ एक बार कंप्लीट, उसे काफी टाइम लग रहा है। आज अराउंड 15 सम हुए थे, 1.5 घंटा लग गया मुझे उनमें, मतलब नहीं इतना अच्छे से हो रहा, बट वैसे हो रहा है, वैसे समझ आ रही है, अब थोड़ा अच्छे से हो रहा है वैसे ये चीज, मतलब कल जो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी सर की मैंने तो उसकी वजह से मतलब अच्छे से हो गया आज ही, मुझे आज समझ में आ गया थोड़ा और अच्छे से समझ आया था, वरना मैं थोड़ा रट्टे से लगा के कर रही थी इस चीज़ को। एंड आफ्टर दैट इंग्लिश में मैंने लर्न किया वकैब जो थी एडिटोरियल की, जो वकैब थी प्लस जो क्लोज टेस्ट में जो जो वकैब ईडियम्स फ्रेजेस जो जो चीज़ें यूज हुई थी वो मैं नोट डाउन करती गई, मतलब वो इंपॉर्टेंट ही है एक हिसाब से, जैसे कि अभी मैम जो करवाते हैं उनमें अगर आ रहा है तो हो सकता है शायद क्या पता एग्जाम में भी रिपीट हो जाए, अगर ना भी हो तो क्या दिक्कत है, जो मतलब मैम ने कराया था उनको मैं नोट डाउन कर लिया पहले और उनको लर्न कर लिया, बाय चांस अगर कभी भी रिपीट हुई तो उनमें वापस दिक्कत ना आए। तो इसमें भी मुझे अराउंड 30 मिनट, पता नहीं पौना घंटा इसमें लग गया था अच्छे से सभी को करने में। अराउंड मेरी वकैब है जो अराउंड 60 से 70 तक मेरी वकैब है वो चली जाती है, वकैब इडियम्स फ्रेजेस है जो, तो इसमें टाइम लग जाता है डेली का इसको भी याद करने में। सो आज ये टारगेट्स है जो मैंने कंप्लीट किए, थैंक यू।